कारण इतने तमाम लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके कारण हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। लोग कहते हैं बाबा श्याम का खड़ा मित्र मंडल में लगता है, लोग आते हैं। अगर आपका वही अखाड़ा आज भी लगता है बाबा, तो आज इस दरबार में आए हुए सभी शाम प्रेमियों पे अपनी मेहर पूरी तरीके से करते बाबा। साल की पहली आज से ही उन प्रेमियों के लिए भी बाबा, कुछ प्रेमी आ रहे थे खाली हुआ जो हर ग्यारह सौते हैं, लोग आज आ नहीं पाए, आधे रस्ते से लौट गए बाबा। जब उनके घर से फोन आया कि उनके परिवार वालों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जो लोग इस दर पे आज बाबा पहुंच नहीं पाए साल की पहली ग्यारस को, उनकी भी आज ये अरदास करते होगा, तो कौन कौन ठाकुर से आज अरदास करेगा, पूरे हाथ उठाना और ताली लेके बोलना, अरे अच्छा अच्छा शाबाश। Thank you.
Oh,
जिसका शादी हुआ है उन्हें हैप्पी मदर्स डे शादी में जाके बोलने का इसका से है ये दिल का Thank you.
भटके क्यों कर भटक रहे हैं कर भरोसा
Thank you.
वृत्त मंडल के कृष्ण में बहुत प्रेमी हार कर आए हुए
तो ये जो लाइन थी ना आइए हार और जाइए, उन लोगों को भरोसा हो जाए एक बार और उनका भरोसा देखना हर मुसीबत से उबारो
सच्चे दरबार की श्याम प्यारे की वो धातु नरेश की, ये लोग यही भाषा समझते। आइए, महाराज जी ने बोला, हालांकि भजन कंप्लीट नहीं है ये, लेकिन मैं सुनाऊं आपको जितना भी है। ये ऐसा दरबार है, इससे कोई झूले फैला के देता है। कोई झूले फैला के लेता है, कोई रो कर लेता है, कोई मांग कर लेता है, कोई झगड़ कर लेता है। सब प्रेमियों की अलग अलग कैटेगरी है। देखिए, एक प्रेमी क्या कह रहे हो बाबा से, एक तो कहता कि बाबा झोली फैला के मांगता है, एक कहता है बाबा देना पड़ेगा। बड़ी प्यारी बात, आप ध्यान से सुनिए। खाटू नरेश की मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तूने आज हम पे बड़ी जो मुसीबत तो तुमको पुकारा, बड़ी जो मुसीबत तो तुमको पुकारा, हमारी कसम तुमको आना पड़ेगा, मेरे सामने अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे आकर बचा लो
तुम्हारी दया पे
तेरे सामने अपनी दया का खजाना तुम्हें आज पे ऐसे तो पूरा खाटू धाम ही धन्य है जहाँ बाबा का गुणगान हर जगह पे होता है, लेकिन वास्तव में ये ऐसी पावन भूमि है श्याम मित्र मंडल की। यहाँ जो जहाँ यहाँ जो बैठे होते हैं ना, वो बिल्कुल चुनिंदा प्रेमी बाबा के बैठे होते हैं, जिनको बताना नहीं पड़ता भजन कैसे करना है और भजन के भाव क्या है। आइए, मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हुए श्याम मित्र मंडल के सभी भक्तों का, और इसी तरह आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेंगे। दरबार में कन्हैया भैया है, Oh,
जिस नौका में सवार हुए सबने कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखा कि दरबार में ऐसे ये मर्यादा ऐसे ये होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि दरबार से कोई भी छोटी खाली नहीं जानी चाहिए और कोई नहीं जाएगी। जहां पर इतना रस हो कन्हैया वही तो होता है सर। अगर कन्हैया नहीं है तो रस नहीं हो सकता। जहां अंधकार है जहां उजाला है वही तो सांवरा है। जहां रस है वही खाटू वाला है। बताइए आज आप सबसे विनती मेरी हाथ जोड़ते हैं। बारिश लग चुकी है आप दर्शन करके जाओगे वो दर्शन करोगे समय लगेगा। अभी बैठे हो विलंब ना करो। एक भजन सुनाऊंगा तसल्ली से। आप सबसे मेरी गुजारिश कोई अगर पड़ोसी छेड़े तो उसको कहना मुझे 10 मिनट दे दे मैं अपनी जिंदगी संवार रहा हूं उसके बाद मुझे छेड़। जिस भजन से मुझे सब कुछ मिला मैं वो भजन सुनूंगा। मेरी गुजारिश आप सबसे जिस भजन से मेरे पिताजी को सब कुछ मिला जिस भजन से मेरे परिवार को सब कुछ मिला जिस भजन के कारण खाटू के शाम धड़ी पर मुझे 100 नहीं 500% भरोसा हो गया वो भजन मैं आपको सुनाऊंगा। का ध्यान रहे अगर आपकी झोली भरी है तो उसके लिए मांग के चले जाओ जिसकी झोली खाली है। दरबार में बहन खड़ी थी एक बेटी बेटा मांगने आई थी उसके आगे एक और बहन खड़ी थी जिसकी औलाद नहीं थी। जब पीछे वाली को पता लगा कि इसकी औलाद नहीं है तो उसने बेटा नहीं मांगा बोली बाबा मेरी गोद भरी है मेरे पास बेटी है मुझे बेटा दियो ना दियो आगे वाली को खाली मिल गया। क्योंकि अब एक अर्जी नहीं हजारों अर्जी लग रही
और उसके बीच में अगर एक वीआईपी सिस्टम चला गया तो 1000 रुपए चेक को प्लीज सर भरी दे मगर हमारा भरोसा उसने कसौटी पर रख दिया, उसकी बिगड़ी बात आपको नहीं। ओ भरी दे रे श्याम झोली प्रेमियों जो पीछे खड़े हो, अगर समय लगे तो इस तरफ आ जाओ, देखकर बाबा को गाओ, बाबा के पीठ के पीछे नहीं सामने देखकर घुस जाओ किसी श्याम प्रेमी के बीच में, ताकि आपकी भी बिगड़ी बात बन जाए, आपको भी नजर आए। नैन से नैना मिल जाते हैं तो नैना तोल देते हैं, और कितना तोल का मोल है ये नैना बोल देते हैं। सिर्फ मूर्ति थी,
जो चलने से पहले सिर्फ फूल था, लेकिन जैसे ही जो चल गई उस मूर्ति में सामने का प्रवेश हो गया और वो फूल वो श्रृंगार बन गए। जो चलने से पहले ताली बजाते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, पागल आदमी ताली बजा रहा है, लेकिन जो चलने के बाद आपकी ताली बजती है तो दुनिया कहती है देख सामने का ताली बजा जो ये चौथ की महिमा है सर, जो दोनों हाथ उठा के लगा लो वर्षी क्या दो बना के क्यों बिगाड़े जाऊंगा, लेकर जाएगा, शादी बजानी पड़ेगी।
ना भी बजाओ तो दिल से कह दो घर के घर आयो तुझे घर जाऊंगा नाली घर आया तो झोली भर कर जाऊंगा नाली घर आया तो झोली भर कर जाऊंगा इतनी जोर से बोलना कि पड़ोसी परेशान हो जाए यार ये ले जाएगा तो मैं क्या करूंगा मैं के जाऊंगा यहीं से ले जा सकते हो बस सिर्फ मित्र मंडल है अगर सुबह 4 बजे आशीर्वाद लेके जाना तो यहीं से लेके जा सकते हो मेरी नई जब ये 18 साल का हो जाएगा इसका भी वोटर आईडी बन जाएगा यदि मम्मी को कहेगा मम्मी अब मैं शिमला नहीं यार सारे ठाकुर इसका असर अभी नहीं इसका असर धीरे धीरे 2-4 करोड़ रुपए दे जाओगे पीढ़ी को अगली पीढ़ी को क्या बड़ी बात कर जाओगे दुनिया देखे जाती है मित्र मंडल का कीर्तन दिखा लो अपने बच्चों को सारे जीवन भर के लिए सावन आसान हो जाएगा अरे दुनिया की जवानी ना जाने कौन सा नशा कर रही है मगर खाटू की 11 पे ये जवानी सांवरे के नाम भले ले ले जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा मेरे पास
आंसू पहुंच गए मुझे कंडे लगाए मेरे आंसू मुझे गले लगाएगा मेरे आंसू ये पुष्प भी संजू के गले ऐसे ऐसे भजन इन महान भावों ने दिए हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। ये तो हमें चस्का लिखना पड़ता है क्योंकि ये 25 साल 22 साल के लड़के मानते हैं नहीं तो एक चीज लिखने के आगे सब कलम टूट जाती है। लेकिन आपको मानती है संजू शर्मा एक दरबार का वो नाम है बाबा जब खास मूड में होता तो इनके भजन सुनता तो खास मूड में एक बार जरा इनका सम्मान अच्छा एक बात बताओ जो इधर खड़े थे जो इधर आए वो बताओ कौन कौन है जो इधर से इधर आए बताओ उधर आनंद आ रहा था कि इधर आनंद आ रहा है ना उस जगह का कोई दिक्कत नहीं है। मित्र मंडल मित्र का क्या मतलब है सखा जैसे ही अंदर आए दुश्मन भी मित्र हो जाता है साहब और अगर मित्र नहीं हुआ तो मतलब वो मित्र मंडल में नहीं बैठे नहीं बैठे साहब राधा ने ताना दिया बांसुरी तूने ऐसा क्या कर लिया कि कन्हैया के लोगों तक पहुंच गई और कन्हैया मुझे छोड़ गई। बांसुरी बोली राधा तू तो बात बात पे रो देती थी मैं पेड़ पर लगी टहनी थी मुझे काटा गया परिवार से अलग किया गया मैं खुश तक नहीं थी मुझे रौंदा गया मैंने आह तक नहीं की मुझे अंदर से खोखला किया गया मैंने पुस्तक नहीं की मुझ में छेद किए गए मैंने तब भी आह नहीं किया मगर जब सांवरे ने लोगों से लगा लिया तो ऐसी वजी की सारी दुनिया को आज आज अगर आपको कोई ताने देता है ना तो सुन लो फायदा है तवा भी जब तक जलता नहीं रोटी नहीं देता सा सुन लो और बाबा को आकर कहो मैंने दुनिया के बोल सहे सांवरिया मैंने दुनिया मोदी जी इस जमाने के बोल सहे इस जमाने बोल सहे सांवरिया महाराज जी पूछ रहे थे इसमें मंत्र क्या है मैं शांति से बैठा था क्योंकि अभी चले गए तो मैं बोल सकता ये संतों के दिए वचन है सर। घर में जब बच्चा होता है तो क्या बोलते हैं हाथी घोड़ा पालकी खुश होते तब बोलते हैं तो मित्र मंडल में आ गए तो खुशी तो होता है जो नाराज होगा वो तो नहीं केवल मैंने दुनिया की और फैन जैसे पूछे ना तुम फैन हो तो हिलना शुरू कर दिया करो बोलो कौन हो बोलो देख लो कौन फैन साहब फैन कहाँ से आए भाई फैन फैन दिस इज कॉल्ड फैन
भाई सब तीसरा भी से मैंने अपने बोला ही बनाऊ कब से बना रहे नोटबुक के भजन लिखने के लिए मैं ढूंढ ही रहा था कि कोई मिल जाए मुझे ये साहब ये मैं नहीं हूं ना कन्हैया है ना मित्तल है सिर्फ जो मेरे अंदर सामरे का नाम है उनको उससे प्यार है ये महम है दुनिया को कि हमारे फैन है छोटा शब्द है फैन ये तो साफ जनरेटर से चलने वाले एसी हैं जिसमें तेल डाले रखो बिजली की जरूरत नहीं है जनरेटर से चलने उम्री नहीं सत्ताईस नवंबर की बात है एक लड़का मेरे आगे खड़ा बाहर लिखा था यहाँ फोटो खींचना मना है मोबाइल निकाल लिया जैसे पढ़ा गार्ड साहब आए अच्छा गया मोबाइल अंदर रख लिया अब शायद कलकत्ते का था जैसे ही गार्ड गया मोबाइल दोबारा निकाल लिया फिर फोटो खींचने लगा फिर गार्ड आ गया छोड़ा एक बार मैं समझ को नहीं आ मैं अब जैसे तेरा पौड़ी चढ़ने के बाद बाबा नजर आता है उसको जैसे नजर आया उसने गार्ड साहब को बोला भाई साहब इतना हो ना आया तीन बार आ क्यों फाड़ी और तीन बार क्लिक किया बोला आंखों में खींच के ले जा रहा हूं रोक ये क्या है बंदगी तो ये भी इंसान क्या ये पूजा नहीं है क्या ये भावना नहीं क्या इसमें भाव इसमें झूठापन है प्रेम की बात है नैनन में बस जा श्याम इन नैनन को बंद कर लूं ना मैं किसी और को देखूं ना तो है देखन को प्रेम ओ मेरी मैया पार कर दे अभी पिछले फागुन मेले में सावरिया में कीर्तन कर रहा था एक आदमी जितने पैसे लाया था सारे मार दिए बाहर आके मुझे सवाल करता है भाई साहब मैंने अपना खर्चा भी मार दिया मैं वापसी कैसे जाऊं वो फैन नहीं है साहब उनका प्रेम है साहब ये प्रेम है और प्रेम का कोई मोल नहीं होता मैं हूं तेरा तू है गर्व से बोलना ये बात अभिमान से मैं हूं तू है मैंने नाला तेरे मुझे खास है शाम भर देगा दामन तू झूम दुनिया कहती है बाहों में कैसे झूमे बाबा की बाबा की तो शीश है अरे प्रेम से नहीं आओगे तो शीश भी नहीं दिखेगा और प्रेम से आओगे तो शिंगार के अंदर से दोनों हाथ भी नजर आए कैसा भावना से देखना प्रेम से झूमे श्याम नंदू झूमे 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 भर दे गायक सिर्फ आवाज का अच्छा होता है सांस बजाने वाला इंसान अच्छा होता है बात चले कि ये पीट करके क्यों ठाकुर की तरफ बैठे हैं
सांच किसके पास है, या तो मुरली वाले के पास है, या माँ सरस्वती के पास है, या भोलेनाथ के पास डमरू है, या फिर इनके पास साझे सा भगवान जो है कितना बजते हैं। ये ढोलक बज रही है, तबला बज रहा है, चमड़े का बना है, चमड़े का बना सर। आपका जूता किसका बना? चमड़े का। वो उस चमड़े के नसीब है, वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, ये इस चमड़े के नसीब है। इसके बगैर किस्मत की बात है कि आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलता, उसने आपकी तकदीर में क्या लिख दिया इसका कोई फैसला नहीं कर सकता। कोई तिनसुकिया आसाम से आकर भी अपनी पहचान नहीं बताता, तो कोई सिक्कर से आकर भी कहता मैं सबसे बड़ा शाह प्रेमी हूँ। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है कि बाबा को क्यों उठा समझता है। और झूमे पाँच बजे तक तो नीत कर दो
मेरी जान बढ़िया है, बढ़िया हूँ, और श्याम बहादुर जी भी बढ़िया थे, हम एक ही परिवार के हुए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के पुत्र हैं सारे, बढ़िया जितना भी, तो वो भी लक्ष्मी के पुत्र और हम भी लक्ष्मी के पुत्र, भाई को हम पोते हो गए, वो धंधा हो गया, इसलिए खाटों में हमने तू है मेरा समझ कुछ मुझे और मध्य प्रदेश में गाएगा हरे हरे स्वास्थ्य कैसा है, कैसा चल रहा है, वो एक ही बात बोलते हैं कि बाबा से अर्जी लगाना कि बाबा के दरबार पहुंच जाए, उनके लिए वचन लिखा है
चली पा रहा हूँ तेरी ओर सांवले बोला मेरा जोर नहीं है 18 किलोमीटर का भी ये तो जोर सांवरे का है चलता रहूं मेरा चलना नहीं कोई जोर सांवरे मित्र मंडल हर महीने आता है बाबा का यहाँ गुणगान करने क्या लोग इनको भी तो कहते होंगे हर महीने जाते छोड़ूंगा आपकी बात लेकिन इनका जोर नहीं चलता क्यों जोर तो खाटू बोले का चलता मेरा चलता नहीं कोई जोर आप में से भी इतने प्रेमी होंगे घर वाले कहते होंगे इतनी सर्दी पड़ रही है पागल रह गए हैं पागल रह गए लेकिन लोही चक्की एक जोड़ी कुर्ता पजामा बैग में गल्ला चाल मेरा चलता नहीं कोई जोर सांवरे सबसे पुरानी संस्था शामिल होगी जो जो इन्होंने खाटू में देखा है मेरे युवा भाई हम सोच भी नहीं सकते आज हर चीज की फैसिलिटी है तब अंदर आने को भी रास्ता नहीं मिलता था एक भरोसा होता था कि सांवला मंदिर पहुंचा देगा और आंख बंद करके निम्न से चल पड़ते थे पर कभी रास्ते से भटके नहीं बाबा का मंदिर मिलता था तेरे लिए मेरे सांवरिया कुछ भी मैं कर दूंगा वो नाचेंगे बन करके मोर सांवरे कौन कौन नाचेगा मोर बन के शर्माना है जरा तारे ऐसा सिस्टम मिटा दे कि हर महीने तेरे पास आ सकूं और खुले दिल से आ सकूं ऐसा ना हो कि 500 रस्ते में लग गए तो तेरे प्रसाद में टांका मार दो बोले 300 नहीं 200 का चढ़ा दे ऐसा ना करवाइयो सामने काम करवाइयो पूरा अभी नागपुर का एक प्रेमी खाटू आया पहली बार बाबा से क्या मांग कर गया कि बाबा ऐसी सेवा देते कि हर महीने एक भगत को नागपुर से खाटू लेकर लेकिन उसको लाने का खर्चा 15,000 रुपए आना था बोला मेरी पॉकेट अलाउड नहीं करती कुछ कृपा करो नागपुर यहां से दर्शन करके नागपुर लैंड किए लैंड करती एयरपोर्ट के बाहर डायमंड का ब्रेसलेट मिला फोन आया कन्हैया जी ब्रेसलेट मिला है भिजवा दूं क्या बोले मैं क्या दूसरा बोले नहीं बाबा ने दिया क्या करे बताओ मैं बोला तुम क्या मांग के आए बोले किसी भगत को साथ ले जाने का मैं कहा इसका कीमत पूछो उसकी उसका कीमत मिला 10,00,000 रुपए उसका FD कराया और अब हर महीने एक भगत को लेकर खाटू अपने आप हिम्मत रखो फिर से मांगो तो सही 18,000 चल दूंगा 18,000 कुछ भी मैं कर दूंगा तेरा मित्तल नहीं है कमजोर सांवरे मित्तल नहीं है कमजोर सांवरे
चलता रहूं। बोला बोला बोला, अभी यहां से मंदिर तो जाओगे, कौन बताएगा? बोलो चलता रहूं। क्या लूं तुझे, जो कुछ मेरा इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? तेरे भरोसे चलू। मोरान असम का खड़ा क्या भाई? असम, हाँ असम में मोरान एक जगह पड़ती है। मोरान का एक प्रेमी 30 रुपए का स्टिकर लेके यहाँ से खाटू से पापड़ बड़ी कौन कौन लेके जाता है शर्मानंद? हाँ रांची वाले तो लेके जाएंगे, लेके जाओ 300 रुपया किलो पापड़, 300 रुपया किलो बड़ी, कोई दिक्कत नहीं, जीरो नंबर की क्या निकाल चल ले जाओ, वो महीने दो महीने में खत्म हो जाएंगे, मगर वो 30 रुपए का स्टिकर याद दिलाता रहेगा फ्रिज पे लगा हुआ। अरे काटो कब चलना है? वो मुरान का प्रेमी, उसने सारी पूंजी लगा के दुकान शुरू करी बगल वाली दुकान पे, 8-10 ग्राहक, और वो रोज शाम को उसके पास आ जाए, आज कितने की बोनी करी? बोला आज तो ठंडन गोपाल कोई नहीं आए। अगले दिन फिर आ जाए, बोला आज तो कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर आ जाए, बोला कुछ नहीं हुआ। उसको याद आई हारे का सहारा, बोला घर वाली एक स्टिकर लाई थी जिस पर ये लिखा था, और दुकान के शटर थोड़ी देर और बंद रखो, सामान चाहिए, जब इसकी कृपा हो जाएगी तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, बन जाएगी, भरोसा रखना। और बोलना क्या जो कुछ मेरा तुमने लिया दिल की कबूल, भरोसे चलूं सांवरे हारे का सहारा है ये, दिल्ली का हारे राजधानी का, हर जगह का प्रेमी यहां बैठा। इसका मतलब बाबा सिर्फ दिल्ली या कलकत्ता से प्रेम नहीं करता, पूरे भारत से प्रेम करता है, और नेपाल से भी प्रेम करता है। जाने कहां कहां अपन फट जाते दीवार, बाबा
अपनी गोद में बिठा ले सांवरिया, अपनी गोद में दुनिया का सब सुख यही मिलता है, दुनिया का सब सुख लक्ष्मी जी द्वारे पे चबर डुरावे, ड्यूटी पे बजरंगी राम राम गावे, ड्यूटी पे बजरंगी राम राम गावे, बेटा कह के बुला ले सवरिया। अरे छोटी बात मत समझो, टीवी में मानी का बच्चा देखते हो बोलो मानी को बोलो वो तो मिलू को, ऐसी ऐसी कृपा पालो कि आपको देखकर दुनिया बोले इसे पंगा ना लो ये खाटू वाले का बेटा। बेटा कहे कि बुला ले सवरिया, बोलो बोलो कुछ कुछ क्षण बचे हैं आपके पास, कुछ क्षण उसके बाद तो बस दर्शन करोगे और वही दुनियादारी, वही 99 का फेर, वही सच छोड़ना फैसला करते रहो, इसने ये किया उसने वो किया, 10 मिनट है साहब 15 मिनट है जो आप और बाबा बोलते लगा अपनी गोद में बिठा ले दुनिया का सब सुख, क्या मांगू जी मैं लक्ष्मी किसके पीछे भागती है, नारायण के पीछे। अरे तुम नारायण के पीछे भागो ना लक्ष्मी तुम्हारे पीछे भागे, सीधा सीधा जितने चमत्कारी आनंद आ रहा होता, एक बार जयकारा लगा लो खुद ही अगर आनंद आ रहा है। Thank you.
नाचना है ऐसे नहीं पंपर जो पास करो उसके हम तो आपके घर सभी मेरे बाद में हाजिरी है तो सभी बैठ जाए प्रेम से तेरा भाव के साथ बाबा ने हमको चलना सिखाया प्रेम भाव से मिलना मस्ती के
मस्ती में सहारिया रहता है जा, मस्ती में रहता है, पर बाप अगर मस्ती में रहता तो बच्चा भी मस्ती में रहेगा जा। उठालो दोनों दोनों हाथ, फिर से ये बार, जल्दी। शाम पिलाने की मेहमान जाओ ये कभी बोले नहीं सकता मेरे दुख में Yeah.
देखो हमसे भी तगड़े भक्त आएंगे बीच में एक महीने कोई सेटिंग हो गई बाबा हमको डाल दे बोले मैं वहां जा रहा हूँ तो ऐसी सेटिंग करके जाओ ऐसी जगह अपना पूरा हम जो घर में अगर रोकड़ा पड़ा है माल पड़ा है उसको ठिकाने लगे जाते हैं जब महीना डेढ़ महीने जाते हैं जाते कि नहीं जाते ऐसे ही यहाँ से डाले ऐसी सटी करके जाओ कि किसी को पता न लगे बोल भी नहीं आते सामने को कि आप पर तक तू ऐसे अब भी न बोलना ना बाबा दूरी नहीं और एक धक्के की चोट पे सुना क्या सुनो हार के चोपी आज शरण लवे अपनी ओट में हार के चोपी आज शरण लवे अपनी ओट में मेरा खाटू वाला काम कर देखो हरियाणा भी सुना रहा हूँ थोड़ा हरियाणा भी गंडप चाहिए मुझे जरा ताली बजाओ Oh,
I'm gonna go to the